रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी बराज के पास सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से चार लोगों की मौत हो गई, जहां सभी शवों को बुधवार को बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सभी शवों को बरामद किया है, जिसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। पता चला तो उसी वक्त हमने डाइवर्स के साथ लोग की पूरी टीम यहाँ आई और उन्होंने अपना सारा जायजा लिया कि क्या स्थिति है, और चार में से अभी तक तीन बॉडीज को रिकवर्ड कर लिया गया है और रेस्ट एक बचा है, जिसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। सामने आप देख ही सकते हैं, प्रशासन की तरफ से आपदा विभाग से जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से सारे डॉक्टर। सरायकेला खरसावां जिले के बेलडी बस्ती में बीती रात एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने दुष्कर्म की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। वहीं मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बचती दिखी। सीतामढ़ी रेल पुलिस ने सात अपहृत नेपाली लड़कियों को बरामद किया है। सभी लड़कियां नाबालिग हैं। वहीं नेपाली पुलिस और स्थानीय प्रशासन की माने तो सभी नाबालिग बच्चियों को दलाल, सिंगर और एक्टर बनाने की झांसा देकर मुंबई ले जा रहे थे, जहां इन लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में लगाने की तैयारी थी, लेकिन तभी इन पर GRP की नज़र पड़ गई। बरामद लड़कियां नेपाल के जलेश्वर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं। सवारी नाबालिग बच्चियों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में रखा गया है। कितने बजे की घटना है? हुकुम से था हमको 9 बजे रात में आया था, लेकिन ये बिजली से ये 6 बजे बड़े क्रॉस कर गए शाम में। इनके परिजन के द्वारा सूचना भी कोई दिया गया? हाँ, इसका पेरेंट्स सुबह आकर हमको फोन किया कि ये मुझे लड़की कॉल से किडनेप हुआ है, सही इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन ये किडनेप जैसे तो नहीं देखा है, लेकिन ये तो बात की बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो लखीसराय जिले के तेतरहाट थाना क्षेत्र में बाइक, ऑटो और बेलेरो की टक्कर में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 की हालत नाजुक होने की वजह से पटना PMCH रेफर कर दिया गया। स्थिति नाजुक बनी हुई थी, तो तीन लोगों में 2 लोगों को हेड इंजरी हुआ था, जिसमें कान से ब्लड आ रहा था, नाक से ब्लड आ रहा था, जिसे यहाँ पे ना तो सिटी स्कैन की व्यवस्था है नहीं, इसलिए उन लोगों को PMCH रेफर कर दिया गया। बाद बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कुल मिलाकर जमुई जिले के झाझा अनुमंडल पुलिस कार्यालय में मुंगेर प्रक्षेत्र के DIG शफीउल हक निरीक्षण के दौरान पहुंचे। इस दौरान जमुई पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल भी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान लगभग 15 से 20 वर्षों से लंबित मामलों के निष्पादन नहीं होने पर DIG ने पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि इन दिनों सुबह में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस पर पुलिस नियंत्रण नहीं लगा पा रही। इसे देखते हुए मुंगेर DIG ने पुलिस अधीक्षक सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कम से कम 2-2.5 दर्जन केस मिले हैं, जिनको कि 2 महीने में निष्पादन हो जाना, अभी साल भर से लंबी। मैंने ऐसे केसों को चिन्हित किया और DSP साहब को 15 दिन का समय दिया, कम से कम 2.5 दर्जन केस जिनका निष्पादन होना, 3 दर्जन केस 15 दिन में निष्पादन करना है, इनको कराना है, नहीं कर रहे। बगहा में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभापति जरीना खातून और संचालन शहरी PSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज ने की। डॉक्टर राजेश सिंह नीरज ने मौके पर मौजूद लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर नगर उपसभापति जितेंद्र राव, PSC स्वास्थ्य प्रबंधक अशोक पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। जमशेदपुर के हल्दी पोखर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार मरीज लगातार स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए आते रहते हैं, लेकिन यहां पदस्थापित डॉक्टर अक्सर गायब रहते हैं।
जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। यही नहीं, कई दिनों से चिकित्सकों के अभाव में ओपीडी भी बंद है। वाइफ को लेके आए हैं यहाँ हल्दी पोकर स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने के लिए। यहाँ डॉक्टर स्वांगी और डॉक्टर सिंदुला दो आदमी का ड्यूटी है, लेकिन एक भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। इस कारण अभी सारे पेशेंट घूम घूम के जा रहे हैं। 3 दिन पहले भी हम आए थे, उस समय भी कोई पेशेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था। सारे पेशेंट इसी तरह से घूम घूम के जा रहे थे। मैं सोचा कि 2 दिन बाद आऊँगा, डॉक्टर आएंगे, लेकिन आज भी डॉक्टर। बाढ़ थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव में सदर अस्पताल में कार्यरत नर्स के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भुवनेश्वरी चौक के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कई जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके।